दोस्तों, आपका फेसबुक अकाउंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आप अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा सेफ और सिक्योर भी रखना चाहते होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका ऑन या फिर ऑफ होना आपकी प्राइवेसी और आपके फेसबुक अकाउंट की सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी आप अपने मोबाइल को उठाओ और वो सारे सेटिंग्स अपने फेसबुक में कर लो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लो, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप आगे भी देख पाओ। और वीडियो देखने के बाद से आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, ताकि और लोगों को भी फेसबुक के इन सभी सेटिंग्स के बारे में पता चले। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ये सभी सेटिंग्स आपकी प्राइवेसी और आपके फेसबुक अकाउंट की सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं पहली सेटिंग की। और दोस्तों, ये सेटिंग एक ऐसी सेटिंग है जिसके बारे में जानकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो अब आपको यहाँ अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर ऊपर यहाँ तीन माइनस पे क्लिक करके नीचे जाना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करना है और इस तरह से ये सेटिंग्स का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना है, आपको आ जाना है परमिशन वाले सेक्शन में। इस सेक्शन में दोस्तों आप देखेंगे लास्ट में आपको एक सेटिंग मिलेगा ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। इस सेटिंग का काम क्या है, इस सेटिंग का मतलब क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि चाहे आप अपने मोबाइल में फेसबुक को यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल में दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल में किसी एप्लीकेशन में गेम खेल रहे हैं, फेसबुक आपको हर वक्त हर लम्हा दूसरे एप्लीकेशन में बैठे बैठे आपके हर एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा होता है। फेसबुक को हमेशा ये पता होता है कि अभी आप अपने मोबाइल में कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन में आप कौन सा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सेटिंग एक बहुत ही डेंजरस सेटिंग है, हमेशा आपको इस सेटिंग को ऑफ करके रखना है। उसके लिए आपको यहाँ ऑफ फेसबुक एक्टिविटी वाले सेटिंग पे क्लिक करना है। इस तरह से पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिलेगा व्यू एंड मैनेज एक्टिविटी। अगर ये बटन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट एक्टिविटी टू डिस्कनेक्ट, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ ऊपर कोने में तीन डॉट पे क्लिक करना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी पे क्लिक करना है और इस तरह से ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे आप देखेंगे पहला ऑप्शन है फ्यूचर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, ये डिफॉल्ट ऑन होगा, आपको इस सेटिंग को यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है। इस सेटिंग को दोस्तों टर्न ऑफ करने के बाद अब आपको फेसबुक तभी ट्रैक कर पाएगा जब आप अपने मोबाइल में फेसबुक को यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जब आप अपने मोबाइल में फेसबुक को यूज करें तो भी फेसबुक आपको ट्रैक ना कर पाए, फिर आप फेसबुक के लोकेशन हिस्ट्री को डिसेबल कर सकते हैं। ये सेटिंग आपको यहाँ परमिशन सेक्शन में ही मिल जाएगा, लोकेशन का सेटिंग है, इस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ गो टू डिवाइस सेटिंग पे क्लिक करके एंड्रॉइड सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों फेसबुक का ऐप इन्फो का पेज ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप परमिशंस, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ लोकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पहले से सिलेक्ट होगा अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। इसका मतलब ये होगा कि जब मैं अपने फेसबुक को यूज करूँ तभी आप मुझे ट्रैक करो। इसे आप चेंज करके आपको यहाँ डोंट अलाउ को सिलेक्ट करना है और इस तरह से आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। अब दोस्तों, फेसबुक आपको कभी भी ट्रैक नहीं कर पाएगा, चाहे आप फेसबुक यूज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अब उसके बाद दोस्तों, आपको बैक आने के बाद यहीं पे आपको अगला सेटिंग मिल जाएगा परमिशन सेक्शन के अंदर ही ऐड प्रिफरेंसेस। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको उन सभी ब्रांड्स का लिस्ट देखने को मिलेगा जिन ब्रांड्स का एड आपको फेसबुक पे देखने को मिलता है। अगर आपको किसी भी ब्रांड का एड पसंद नहीं है, कोई ऐसा एड है जो आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, आप उस एड को देखना नहीं चाहते हैं, तो आपको यहाँ एड प्रिफरेंसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद हर ब्रांड के आगे आपको हाइड एड्स का बटन दिखेगा, इस पे इस तरह से क्लिक करके उसको हाइड कर देना है। उसके बाद से दोस्तों उस कंपनी का उस ब्रांड का एड आपको फेसबुक पे कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आपको सेटिंग के पेज पे ही सबसे ऊपर आना है, अकाउंट सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी,
इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगा ऑथराइज लॉगिन्स। इस पे दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उन सभी ब्राउजर्स का लिस्ट देखने को मिलेगा, चाहे मोबाइल का ब्राउजर हो या फिर कंप्यूटर का ब्राउजर हो, क्रोम ब्राउजर हो, मोजिला हो, सफारी हो, उन सभी ब्राउजर्स का लिस्ट देखने को मिलेगा जहां जहां आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन है या फिर लॉगिन था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी ब्राउजर के आगे आपको ये क्रॉस का निशान दिखेगा, इस पे इस तरह से क्लिक करके उन सभी को यहाँ से हटा देना है। सिर्फ उस डिवाइस को छोड़ देना है जिस डिवाइस में आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन है, वो आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा डिस डिवाइस। तो इस तरह से आपको उन सभी ब्राउजर्स को यहाँ से क्लियर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा और स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम है सेफ ब्राउजिंग। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि फेसबुक पे लोग थर्ड पार्टी लिंक को शेयर करते हैं, कंपनियां अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए ऐड डालती हैं, कंपनियों का ब्रांड आप देखते हैं, अमेजन का, फ्लिपकार्ट का, ऐसे ब्रांड आपको ऐड देखने को मिलता है, आप वहां उस पर क्लिक करते हैं और सीधा आप उसके वेबसाइट पे चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मान लो दोस्तों अगर वो वेबसाइट, वो लिंक बहुत ही डेंजरस लिंक है, किसी हैकर्स के द्वारा बनाया गया लिंक है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो सकता है, आपका पूरा का पूरा मोबाइल भी हैक हो सकता है। तो उससे बचने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे सेफ ब्राउजिंग को इनेबल कर देना है, इसको ऑन कर देना है। जब आप यहाँ फेसबुक में सेफ ब्राउजिंग को ऑन कर देंगे उसके बाद से अगर आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर वो लिंक डेंजरस लिंक है, किसी हैकर्स के द्वारा बनाया गया लिंक है, वायरस इन्फेक्टेड लिंक है, तो फेसबुक आपको वार्निंग दे देगा कि ये एक डेंजरस लिंक है, इस वेबसाइट पे आपको विजिट नहीं करना चाहिए, और ऐसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं, आप अपने मोबाइल को हैक होने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ सेफ ब्राउजिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पे इस पूरे मैटर को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है डिस्प्ले अ वार्निंग इफ यू अटेम्प्ट नेविगेट टू अ पोटेंशियली डेंजरस और डिसेप्टिव वेबसाइट थ्रू फेसबुक। अगर आप फेसबुक के जरिए किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाते हैं लिंक पे क्लिक करके, अगर वो लिंक डेंजरस है, वायरस इन्फेक्टेड है, किसी हैकर के द्वारा बनाया गया है, तो फेसबुक आपको यहाँ पे वार्निंग दे देगा। इसे ऑन करने के लिए ये जो मैटर लिखा है इस पे एक बार क्लिक करना है, यहाँ पे टिक का निशान दिखेगा, ये सेटिंग दोस्तों इस तरह से यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो ये सेटिंग भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे हमेशा ऑन करके रखना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बैक आना है और यहाँ पे अगला जो सेटिंग है वो सेटिंग भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस सेटिंग के जरिए दोस्तों आप ये जान सकते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक है या फिर नहीं है, आपका फेसबुक अकाउंट किस किस डिवाइस पे लॉगिन है, किस मोबाइल पे लॉगिन है, किस कंप्यूटर पे लॉगिन है, इस सेटिंग के जरिए आप ये जान सकते हैं। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेयर यू आर लॉग्ड इन, इसके सामने लिखा है सी ऑल। इस पे दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिवाइस का लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जिस डिवाइस में आपका फेसबुक अकाउंट अभी लॉगिन है या फिर पहले लॉगिन हुआ था। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, अगर कोई भी डाउटफुल डिवाइस आपको यहाँ पे दिखता है, आपको लगता है कि ये मेरा डिवाइस नहीं है, मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, तो उसे यहाँ से लॉग आउट कर देना है। कैसे लॉग आउट करना है, यहाँ पे देखिए हर डिवाइस के आगे आपको तीन डॉट का निशान दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। लॉग आउट पे क्लिक करेंगे उस डिवाइस से आपका फेसबुक अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। सिर्फ उस डिवाइस को छोड़ देना है जिस डिवाइस में अभी आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन है, अगर वो आपका जेन्युइन डिवाइस है तो। यहाँ पे आपको उस डिवाइस के नीचे एक्टिव नाउ यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा डिवाइस है नहीं। बाकी सभी डिवाइस को आपको यहाँ से बारी बारी से लॉग आउट कर देना है। बल्कि मैं तो आपको यहाँ पे दोस्तों सजेस्ट करूंगा, नीचे यहाँ पे देखिए लॉग आउट ऑफ ऑल सेशंस का बटन दिया है, इस पे आप एक बार क्लिक करिए, सभी डिवाइस से आप लॉग आउट कर दीजिए। दोबारा से आप अपने मोबाइल में अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करिए, अपने पासवर्ड को चेंज करिए, उसके बाद से आप अपने फेसबुक को यूज करिए, आपका फेसबुक अकाउंट हमेशा सेफ और सिक्योर रहेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फेसबुक के सेटिंग्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।